दोस्तों मेरे छत पर लगी हुई हैं ढेर सारी सब्जियां और आज इन्हीं सब्जियों की होगी हार्वेस्टिंग। आपको सारी सब्जी मैं दिखाऊंगा कि मुझे मेरे टेरेस गार्डन से आज क्या क्या तोड़ने को मिल रहा है। आपको देखना है पूरा वीडियो और बताना है कौन सी सब्जी आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और आप देख रहे हैं टेरेस एंड गार्डनिंग यूट्यूब चैनल। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मैं जब भी इस तरह का वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। पूरा टेरेस गार्डन सब्जियों वाले पौधों से भरा हुआ है और यहाँ पर अब लग रही हैं ढेर सारी सब्जियाँ। तो आज की हार्वेस्टिंग में कुछ खास सब्जी भी मिलेंगी, जैसे कि ये गोल वाली लौकी। तो चलिए शुरू करते हैं छत पर उगाई गई सब्जियों की हार्वेस्टिंग और रखते हैं इन्हें एक साथ। आज की हार्वेस्टिंग की शुरुआत कर रहे हैं हम इन लाल लाल टमाटर को तोड़ने से। तो यहाँ पे देखिए ये टमाटर काफ़ी ज़्यादा लगे हुए हैं जो कि अब लाल हो गए हैं, तो इन्हें हम यहाँ से तोड़ लेते हैं और आप देखिए कितने सारे टमाटर लगे हुए हैं। टमाटर का साइज भी आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ा हमें मिला है, ये देखिए। अब देखिए यहाँ पे दूसरा जो 3 फिट बाई 3 फिट का ग्रो बैग है, यहाँ पे एक टमाटर छूट गया है। तो यहाँ पे भी जो टमाटर लगे हुए हैं ये भी काफ़ी अच्छे हैं। ये देखिए इतने टमाटर अभी हो गए हैं। अब कुछ टमाटर वहाँ पे लगे हैं, इन्हें और तोड़ लेते हैं। और जो थोड़े कम रेड हैं उन्हें भी हम तोड़ रहे हैं, तो आप इस तरह से जो कम रेड टमाटर होते हैं उन्हें भी आप तोड़ सकते हैं और उन्हें इस तरह से फिर आप रख लीजिए। 2-3 दिन में वो रेड हो जाएंगे, फिर आप खा सकते हैं या तुरंत भी आप यहाँ छोड़ सकते हैं, रेड भी तोड़ के डायरेक्ट उनका सब्जी में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए एक टमाटर यहाँ लगा है, अभी आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा फ्रूटिंग हो रखी है, काफ़ी ज़्यादा अभी ग्रीन टमाटर जो है लगे हुए हैं। तो देखिए इतने सारे हमें टमाटर मिल गए हैं, इन्हें रख देते हैं हमारी सब्जियों के साथ। दोस्तों अब मैं तोड़ रहा हूं मेरी ये गोल लौकी जो कि इस तरह से डार्क स्पॉट वाली होती है, ये देखिए। तो एक लौकी हमने ये तोड़ ली, अब दूसरी लौकी लगी है वहां पर ऊपर, उसे और तोड़ लेते हैं। दोनों लौकी को रखेंगे फिर एक साथ। तो दोस्तों ये दो लौकी हमने तोड़ ली हैं और दोनों लौकी आप देखिए कितनी अच्छी हैं, खाने में ये बहुत अच्छी लगती हैं। बॉटल गार्ड डार्क स्पॉट के नाम से आपको इनके बीज मिल जाएंगे। दोस्तों ये लगा है मेरा कद्दू जो कि विंटर स्क्वैश है और यहाँ से मैं इसे काट रहा हूँ। तो ये देखिए काफ़ी अच्छा कद्दू है, इसे रख देते हैं सब्जियों के साथ। दोस्तों ये है लंबी वाली लौकी और ये जो दो लौकियाँ हैं आज हम इनको यहाँ से हार्वेस्ट कर रहे हैं। तो पहली लौकी हम यहाँ से इसे तोड़ ली हमने, ये देखिए, और दूसरी लौकी ये है, इसे भी मैं तोड़ लेता हूँ। ये लगी है यहाँ पर और ये 6 फिट वाली लौकी है, लेकिन अगर आप इसे 3 फिट में ही हार्वेस्ट करेंगे तो फिर आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और ये देखिए यहाँ से मैं इसे कट कर लेता हूँ। तो अभी ये लगभग 3-3.5 फिट की हो गई है। इन दोनों लौकी को रख देते हैं सब्जियों के साथ। आपको ये लौकी कैसी लगी मुझे कमेंट कर जरूर बताएं। तो ये दो लौकी हमें मिल गई हैं आज, ये रख दी हमने यहाँ पर। ये है हमारा करेला, आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ा साइज हमें मिला है, ये देखिए कितना अच्छा साइज है। और एक करेला यहाँ पर है, ये देखिए, तो दो बड़े बड़े करेले। इसके साथ और करेले भी लगे हैं जो मैं अभी हार्वेस्ट करता हूँ। देखिए सामने एक एक करेला लगा है, इस तरह से इसे आप तोड़ भी सकते हैं। तो ये देखिए एक करेला ये तोड़ लिया मैंने और एक करेला ये भी हार्वेस्टिंग के लिए तैयार है, इसको इस तरह से तोड़ सकते हैं। और इसके ऊपर एक और लगा है, इसे और मैं देखता हूँ तोड़ के। और ये देखिए, तो ये भी टूट गया है। तो ये 4 बड़े वाले करेले हमें मिल गए हैं यहाँ से। अब इसके साथ हमारे जो दूसरे करेले हैं, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं, तो ये सफ़ेद करेले लगे हैं, तो इन्हें हम यहाँ से तोड़ लेते हैं। और सफ़ेद करेला खाने में उतना कड़वा नहीं लगता, काट दीजिए, खाने में उतना कड़वा
नहीं लगता है, तो आप अगर कड़वे करेले नहीं खाना चाहते तो फिर आप इसे लगा सकते हैं, एक दो। और ये अभी एक छोटा है, इस करेले को हम अगले बार तोड़ लेंगे। तो दो सफ़ेद करेले हमें मिल गए हैं। अब हम तोड़ते हैं लंबे वाले करेले जो कि यहाँ पर लगे हुए हैं। ये देखिए, पहले तो आप देख लीजिए इतने करेले हो गए हैं। अब हम तोड़ते हैं लंबा वाला करेला। इसको काट दीजिए पापा जी। ये देखिए, यहाँ से ये कट निकल लिया। ये झालरी वैरायटी है, आप देखिए मेरे हाथ से आपको पता चल जाएगा कितना बड़ा है, लगभग 1.25 फीट के आसपास है। तो जो ये लंबे लंबे करेले हैं वो हम तोड़ लेते हैं। दो, एक ये भी, तीन थोड़ा सा ऊपर, और एक ये, चार। तो ये जो हैं चार झालरी वैरायटी के करेले हमने तोड़ लिए हैं। अब हमारी एक वैरायटी का करेला और बचा हुआ है जो कि है गोल छोटा वाला, उसे और तोड़ लेते हैं और फिर सारे करेले एक साथ रखेंगे जो कि लगा हुआ है यहाँ पर। तो इसे मम्मी तोड़ेंगी, उन्हें पता है कहाँ लगे रहते हैं, बहुत छोटे होते हैं ये, इस तरह से गोल गोल। तो दो तो ये छोटे ये रख लिए हमने। अभी ये देखिए, यहाँ पर एक ये लगा है, नीचे भी दो लगे हैं, और नीचे इनके पत्ते में अभी पाउडरी मिल्ड्यू की जो है डिसीज़ आ रही थी, तो हमने इन्हें हटा दिया है। अगर इनमें हवा प्रॉपर जाएगी तो ये बीमारी नहीं होगी, और जैसे ही हवा कम होगी ये लग जाएगी। तो आपको इस तरह से पौधों को बीमारी से बचाना है। और यहाँ पे देखिए ये लगे हुए हैं, छोटे वाले करेले हैं, बहुत अच्छे लगते हैं, देसी करेले जैसे ये होते हैं, और बिटरगर्ड चूचू के नाम से आपको मिलेंगे, या स्मॉल बिटरगर्ड के नाम से भी ये आपको मिल जाएंगे वेबसाइट organicbazaar.net पर। ये जितने भी करेले हमने हार्वेस्ट किए हैं, ये सारी वैरायटी के करेले के बीज वहाँ पर अवेलेबल हैं, आप ख़रीद सकते हैं और सर्दियों में लगा सकते हैं। तो ये करेले आपको कैसे लगे मुझे ज़रूर बताएं, इन्हें रख देते हैं सब्जियों के साथ। ये है हमारा पपीता जो कि बिल्कुल तैयार है तोड़ने के लिए। इसको इस तरह से आप पकड़िए और इस तरह से घुमाइए, ये टूट जाएगा। तो इसमें इस तरह से देखिए कुछ दाग बनते हैं, ये थोड़ा सा ख़राब होने लगता है, इसलिए मुझे ये जल्दी तोड़ना पड़ता है, वरना आप कुछ दिन के लिए और इसे रख सकते थे। तो ये अभी बिल्कुल सही है, आज ही हम इसे खा लेंगे। खाने में बहुत ही मीठा लगता है। रेड लेडी ये वेराइटी है, ऊपर आप देख सकते हैं और पपीता यहाँ लगे हैं। 24x24 इंच के जियो फैब्रिक ग्रो बैग में इस पपीते का पेड़ लगा है। एक और मेरे गार्डन में पपीते का पेड़ है जिसमें अभी काफ़ी ज़्यादा पपीते लगे हैं, तो वहाँ से भी दो तीन पपीते और मिलेंगे, उन्हें और तोड़ लेते हैं। ये है मेरा दूसरा पपीते का पेड़, और इसमें यहाँ पर अभी दो जो हैं पपीते हो गए हैं तोड़ने के लिए तैयार। तो मैं इनको आराम से जो है घुमा कर तोड़ लेता हूँ इस तरह से। तो देखिए ये आराम से जगह बना ली हमने, तो एक पपीता ये मिल गया, देखिए काफ़ी अच्छा है, इसमें किसी तरह के दाग नहीं है। और ये पेपर में हम इसको लपेट कर रखेंगे तो दो दिन में ये पक जाएगा। अब हम आ जाते हैं इस तरफ, और यहाँ से जो हमारा दूसरा पपीता है ये, इसको और हम तोड़ लेते हैं ताकि थोड़ा सा पौधे को रेस्ट भी मिल जाएगा। और कई बार एक को तोड़ने के चक्कर में दूसरा भी टूट जाता है, तो ध्यान से हमें इसे घुमाकर तोड़ लेना है। ये देख सकते हैं, ये पपाया हाइब्रिड सीड के नाम से आपको बीज मिल जाएंगे इसके वेबसाइट organicbazaar.net में। फ्रूटिंग आप देखिए कितनी अच्छी हुई है। और ये पपीते का पेड़ भी 24x24 इंच के HDPE ग्रो बैग में लगा है, और देखिए कितना ज़्यादा इसमें दूध निकल रहा है। तो ये दो पपीते हमें मिल गए हैं, इन्हें रख देते हैं हमारी सब्जियों के साथ। दोस्तों ये लगी है हमारी ब्रोकली, और आज इसे मैं हार्वेस्ट कर रहा हूँ, अभी हार्वेस्टिंग के लिए तैयार है। और इसको कंप्लीट आप, इसकी जो ये स्टेम होती है इसको कंप्लीट आप खा सकते हैं। थोड़ा सा छोटा इसका हेड हमें मिला है, यहाँ से नई ब्रोकली बनेगी, इसलिए हमने अभी इसको हार्वेस्ट कर लिया है। और दूसरी जो ब्रोकली हैं वो भी अभी पर यहाँ पर रेडी हो रही हैं, इसलिए आज केवल एक ये ब्रोकली हम हार्वेस्ट करेंगे। आपको ये ब्रोकली कैसी लगी मुझे कमेंट्स कर ज़रूर बताएं। इसे रख देते हैं सब्जियों के साथ। ये जो आप देख रहे हैं ये बैगन है, ब्लैक ब्यूटी वैरायटी है, ये बहुत ही अच्छा होता है इस तरह का, जब हो जाए तो आप इसे हार्वेस्ट कर लीजिए। नए पौधे हैं जो कि मैंने अभी सर्दियों की सब्जियों के लिए लगाए थे, और अब आप देखिए काफ़ी अच्छे बैगन मिल गए हैं। यहाँ पे देखिए एक ये बैगन है जिसको रस्सी में ये फंस गया था हमारे, और उसका सेब थोड़ा सा
गड़बड़ हो गया है, तो यहाँ से इसको हार्वेस्ट कर लेते हैं। ये देखिए इस तरह से हो गया है। पीछे वहाँ पर दो और बैंगन लगे हैं, थोड़ी सी मीडियम साइज़ है उनकी, लेकिन आप उन्हें तोड़ लीजिए ताकि ऊपर जो भी बैंगन आएंगे वो अच्छे से फ्रूटिंग करें। अब ये दो बैंगन जो हमारे ग्रीन मीडियम लॉन्ग हैं ये तैयार हैं। तो यहाँ से एक ये है, एक ये पीछे लगा हुआ है, ये देखिए, और दो ये बैंगन तोड़ लिए हमने। ऊपर देखिए इनमें काफ़ी अच्छी फ्रूटिंग हो रही है, फ्लावरिंग भी हो रही है। तो इतने बैंगन यहाँ से मिल गए हैं और दूसरे बैंगन लगे हुए हैं, उन्हें और हार्वेस्ट करते हैं और एक साथ रखते हैं सब्जियों के। ये है हमारी स्क्वैश पैटी पैन जिसे हम आज हार्वेस्ट कर रहे हैं। तो ऊपर देखिए नई स्क्वैश बन गई हैं, तो इस तरह से हम इन्हें तोड़ लेंगे। और ये बिल्कुल पैन की तरह होती है चपटी, मैंने भी पहली बार इन्हें लगाया है। खाने में ये पूरी जुकनी की तरह ही लगेंगी, कुछ इनमें अलग नहीं है। और एक ये है, ये देखिए ये थोड़ी छोटी साइज है, इसे भी हार्वेस्ट कर लेते हैं। तो ये तीन स्क्वैश पैटी पैन हमें मिल गई हैं, इन्हें रख देते हैं सब्जियों के साथ। ये लगा हुआ है हमारा अमरूद, और देखिए चिड़िया आने लगी थी इसे खाने। तो एक अमरूद ये तोड़ते हैं, और इस तरह का अमरूद भी आप तोड़ सकते हैं। तो ये दो अमरूद मिल गए हैं, आप देखिए काफ़ी अच्छा साइज मिला है हमें। और इस अमरूद के पेड़ में बहुत ज़्यादा अमरूद लग रहे हैं इस तरह से, 18x18 इंच के HDPE ग्रो बैग में लगा हुआ है। सबसे पुराना पेड़ है मेरा ये, 3 साल से पुराना है। इसके बाद यहाँ पे लग रहे हैं अनार, तो देखिए ये अनार मुझे लग रहा है कि अभी तोड़ने के लिए तैयार है। तो इस अनार को भी आज यहाँ से हम हार्वेस्ट कर लेते हैं। एक और अनार मुझे दिखा, इसको भी देख लेते हैं, ये भी रेडी है, तो इसे भी तोड़ लेते हैं, क्योंकि अब यहाँ पर जो है नए अनार बनने लगे हैं। किस तरह से बन रहे हैं ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये अनार बन रहा है, ये अनार बन रहा है। तो दो अमरूद और दो अनार आज हमने हार्वेस्ट कर लिए हैं, इन्हें रख देते हैं सब्जियों के साथ। ये जो आप देख रहे हैं ये नींबू लगे हुए हैं मेरे, ये 12 मासी नींबू है, और यहाँ से ये जो दो नींबू बड़े हो गए हैं इन्हें मैं हार्वेस्ट कर लेता हूँ, क्योंकि अभी मेरे जो नींबू के पेड़ हैं इसमें काफ़ी अच्छे नींबू बन रहे हैं, देखिए इस तरह से। तो ये नींबू अब बड़े होंगे, इसलिए हमने ये दो नींबू जो लगे हुए थे इन्हें हमने तोड़ लिया है, इन्हें रख देते हैं सब्जियों के साथ। दोस्तों ये है हमारी मिर्च का पेड़, इसमें से जो लाल मिर्च हैं वो लास्ट हार्वेस्टिंग में हमने तोड़ ली थी और हरी छोड़ दी थी, तो अभी देखिए वो हो गई हैं इस तरह से लाल। तो आज हम जितनी भी ये लाल मिर्च हैं वो सारी लाल मिर्च तोड़ेंगे, साथ में हरी मिर्च भी हमारी काफ़ी लगी हुई हैं, उन्हें भी हम हार्वेस्ट करेंगे। तो ये देखिए इतनी लाल मिर्च हमें मिल गई हैं, इन्हें रख देते हैं और फिर तोड़ते हैं हरी मिर्च। ये हैं हमारी हरी मिर्च, और अब आप देख सकते हैं इनका साइज कितना हमें अच्छा मिला है, और इस तरह से आप इन्हें ऊपर उठाकर तोड़ सकते हैं या फिर काट भी सकते हैं। एक पेड़ में बहुत सारी साइड ब्रांच आई हैं, क्योंकि हमने इसकी 3G कटिंग कर दी थी और बाद में भी हमने इसकी प्रूनिंग की है, क्योंकि इसमें लीफ कर्ल वायरस काफ़ी आ रहा था। तो अभी इसमें काफ़ी अच्छी मिर्च आई हुई हैं। ये मिर्च का पेड़ जो है वो 12x12 इंच के ग्रो बैग में लगा हुआ है, HDPE ग्रो बैग है। ये देखिए नीचे से जो इसकी साइड ब्रांच आई है इसमें भी काफ़ी अच्छी मिर्च लगी हुई हैं। और मिर्च के पेड़ के साथ भी ये खासियत है कि आप जितनी मिर्च तोड़ते जाएंगे उतनी नई मिर्च इसमें आती जाएंगी। जैसे अभी हमने लाल मिर्च हार्वेस्ट की थी तो उस पौधे में मिर्च आना बंद हो गई थी, जैसे ही अब हमने लाल मिर्च हार्वेस्ट कर ली है अब उसमें नई फ्लावरिंग और फ्रूटिंग होने लगेगी। पूरे पौधे को चारों तरफ देखकर आपको जो जो मिर्च बड़ी हो गई हैं जब आपको ज़रूरत है आप तब तोड़ सकते हैं, या इस तरह से तोड़कर आप रख लीजिए। अच्छा, काफ़ी लोग कमेंट्स कर रहे थे जो मेरे हार्वेस्टिंग वीडियो हैं पहले वाले, उनमें देखिए कि इतनी सब्जियों का आप करते क्या हैं। तो ये सारी सब्जी हम खाने में ही इस्तेमाल करते हैं, कुछ सब्जी को तुरंत खाते हैं, कुछ को हम फ्रिज में रख लेंगे जो एक दो दिन बाद खाएंगे। तो सारी सब्जी खाने में ही इस्तेमाल होती है, इन्हें कहीं बेचा नहीं जाता। तो अगर आपकी बड़ी फैमिली है तो आप ज़्यादा पौधे लगाइए, और अगर आपकी छोटी फैमिली है
तो आप कम पौधे में भी आपके लिए जो है सब्जियां मिल जाएंगी। कुछ मिर्च यहाँ पर हैं, ज़्यादा बड़ी तो नहीं है, जितनी भी बड़ी हैं हम तोड़ लेते हैं। कुछ मम्मी यहाँ पर लगी हैं, ये ज़्यादा बड़ी नहीं है, कुछ ही तोड़ लीजिए। अब ये सेम वैरायटी के पौधे हैं। अभी यहाँ पर एक जो है दूसरी वैरायटी है वो मैं आपको दिखाता हूँ। बस ये देखिए, तो ये मिर्च जो हैं हरी मिर्च डार्क ग्रीन कलर की जो हैं अभी इतनी मिल गई हैं हमें। ये देखिए, अब ये थोड़ी दूसरी वैरायटी है, इसकी मिर्च थोड़ी सी लंबी लंबी होंगी, पैरेट ग्रीन कलर की, मतलब ये लाइट ग्रीन कलर है। ये पौधा अभी भी लीफ कर्ल का थोड़ा सा शिकार है, थोड़ा सा बाहर आ रहा है अभी धीरे धीरे। इसमें आप देख सकते हैं इसकी पत्तियां उतनी अच्छी नहीं है जितनी कि हमारे इन पौधों की हैं, लेकिन स्टिल इसमें काफ़ी अच्छी मिर्च लग रही हैं। तो हम इनको हार्वेस्ट कर लेते हैं ताकि पौधे को थोड़ा रेस्ट मिल जाए। ये देखिए, तो इतनी हमें हरी मिर्च मिल गई हैं। किस किस को हरी मिर्च खाना पसंद है ज़रूर बताएं। लगभग सभी लोग इसका इस्तेमाल करते हैं सब्जियों में, और इन्हें रख देते हैं सब्जियों के साथ। दोस्तों, ये है हमारी लाल मिर्च चिली हाराबीनो, आप देख सकते हैं इस तरह से ये लाल जब हो जाए तब आप इन्हें तोड़ लीजिए। काफ़ी तीखी होती हैं, इस तरह से आप देखिए ऊपर से आपको इस तरह से ये मिर्च दिखेंगी। और अगर आपको तीखी मिर्च खाना पसंद है, जैसे कि भूत झोलकिया जो होती है उस तरह से, अगर आप तीखी मिर्च खाने के शौकीन हैं तो फिर इसे ज़रूर लगाएं। और इसे आप जितनी ऐसी लाल करके तोड़ेंगे उतनी ज़्यादा तीखी ये निकलेगी। हर हार्वेस्टिंग में हम पहले तो मैं यहाँ से 4-5 ही तोड़ता था, अभी काफ़ी ज़्यादा मिर्च मुझे मिलने लगी है। एक ही रह गई है, ऊपर एक छूट गई थी मिर्च, तो उसे भी हम हार्वेस्ट कर लेते हैं। ये देखिए, तो इतनी हमें मिल गई हैं लाल मिर्च चिली हाराबीनो, पेपर हाराबीनो के नाम से आपको इनके बीज मिल जाएंगे। आप अभी भी इन्हें लगा सकते हैं, इन्हें रख देते हैं सब्जियों के साथ। दोस्तों, ये है चुकंदर, और चुकंदर के पौधे अभी लगातार बारिश के कारण हो रहे हैं खराब, तो आज हम यहाँ से जितनी भी बड़ी चुकंदर हो गई हैं उन्हें निकाल लेते हैं। कुछ तो छोटी हैं लेकिन हमें निकालना पड़ रहा है क्योंकि पौधे अब गलने लगे हैं। अभी लगातार 5-6 दिन बारिश हुई थी जिस वजह से इनके पौधे बिल्कुल खराब हो गए हैं। तो ये देखिए, कुछ तो अच्छी साइज भी बन गई हैं। आप देखिए, इस तरह से मिट्टी हटाकर भी चेक कर सकते हैं, और फिर आपको लग रहा है कि चुकंदर बन गई हैं थोड़ी बड़ी, तो फिर आप उन्हें निकाल लीजिए। बाकी हम पुराने, ये देखिए कितनी अच्छी चुकंदर है, अभी ये पत्ते कुछ हटा देंगे, बाकी जो छोटी चुकंदर है वो भी धीरे धीरे अभी बड़ी हो जाएंगी। ये तो ठीक है, फिलहाल इतनी चुकंदर हमें मिल गई हैं और इन्हें रख देते हैं हमारी सब्जियों के साथ। दोस्तों, ये है हमारी काली मूली, और आप देखिए काली मूली इस तरह से होती है। ये देखिए, ये काली गोल मूली है लेकिन कभी कभी ये थोड़ी सी लंबी भी हो जाती है। तो यहाँ से आज हम 2-3 जो मूली हैं वो निकाल लेते हैं। अंदर से ये सफ़ेदी निकलेगी, ऊपर से काली होती है। और ये देखिए, हमारे चुकंदर के साथ ही हमने इन्हें रख लिया है, इस तरह से होती है। अगर आप काली मूली खाना चाहते हैं तो सर्दियों में आप इन्हें लगा सकते हैं, इनके बीज भी आपको सेम वेबसाइट पर मिल जाएंगे। ये हैं हमारे भरता बैंगन, जो कि थोड़े से छोटे साइज के हुए हैं इस बार। दो यहाँ पर जो है भरता बैंगन आज हम तोड़ रहे हैं, दोनों ही लगे हुए हैं, और अभी नए फूल जो है बैंगन में आ रहे हैं इस तरह से। तो अब आगे ये तैयार होंगे, कुछ दिन का गैप हो जाएगा। तो ये दो भरता बैंगन हमें मिल गए हैं, इन्हें रख देते हैं सब्जियों के साथ। ये हैं हमारे चूचू बैंगन, जो कि छोटे होते हैं, भरमा बैंगन में आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। और चार पौधे हैं, चार ही जो बैंगन के पेड़ हमने अलग अलग रख रखे हैं धूप में, क्योंकि इनमें काफ़ी स्पाइडर माइट का अटैक हो रहा था। एक ऊपर है, एक नीचे है, ये ऊपर वाला, ये नीचे वाला।
तो देखिए ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है और आप देख ही सकते हैं कितना शाइनिंग ये कर रहा है। फ्रूटिंग बहुत ज़्यादा होती है, तो चार पौधे आपने लगा लिए तो बहुत हैं। और इसका एक पेड़ ये रखा हुआ है, इसके भी देखिए हमने पत्ते सारे हटा दिए थे, इसमें भी काफ़ी स्पाइडर माइट आया था। अब एक इसका पेड़ ये है पुरानी जगह पे, ये थोड़ा सा और कमजोर हो रहा था इसे हमने यहीं रखा हुआ है। अब इसके जो ये बड़े बड़े ड्रैगन हो गए हैं इन्हें हम हार्वेस्ट कर लेते हैं। ऊपर देखिए फूल सूखने लगे हैं, पौधा कमजोर है इसलिए अब इसकी प्रूनिंग कर देंगे अच्छे से, फिर जो न्यू ग्रोथ होगी उसमें ये बैगन लगेंगे। तो देखिए इतने हमें मिल गए हैं चूचू बैगन, इन्हें रख देते हैं सब्जियों के साथ। एक है ये हमारा सीडलेस बैगन, ये भी अब बड़ा नहीं होगा तो इसलिए इसे भी हमने यहाँ से तोड़ लिया है। दोस्तों ये लगी है हमारी धनिया, और यहाँ ऑलरेडी मैंने धनिया के बीज लगा दिए हैं जिसका वीडियो भी पब्लिश हो चुका है, आप उसे देख लीजिए। ये पुरानी वाली धनिया है जो यहाँ हमने काट कर छोड़ दी थी, तो ये फिर से बड़ी हो गई है। तो इतनी धनिया हमें मिल गई है, इसे रख देते हैं सब्जियों के साथ। दोस्तों ये चेरी टमाटर का पेड़ है जो कि मैंने लास्ट ईयर लगाया था, वो अब यहाँ पर लगा रहा और फिर इसमें ग्रोथ हो गई और अभी इसमें जो है ये चेरी टमाटर लग गए हैं। तो यहाँ पे जितने ये छोटे छोटे चेरी टमाटर लाल हो गए हैं उन्हें हम तोड़ लेते हैं। कल एक कमेंट्स आ रहा था कि उनके टमाटर बड़े नहीं हो रहे, छोटे ही रेड हो रहे, तो आपको ध्यान रखना है कि कहीं आपने इस तरह से चेरी टमाटर तो नहीं लगाया है। वो चेरी टमाटर का पेड़ जो है नर्सरी से लेकर आए थे, तो शायद उन्हें चेरी टमाटर का पेड़ दे दिया है इसलिए वो इस तरह से छोटे ही हो रहे हैं। देखिए इतने चेरी टमाटर मिल गए हैं, इन्हें रख देते हैं सब्जियों के साथ। तो ये है हमारी केल, आप देखिए केल बहुत अच्छी हुई है इस बार, और इसके जो नीचे के ये पत्ते हैं ये हम हार्वेस्ट कर लेंगे इस तरह से, और ऊपर के पत्ते बड़े होते जाएंगे। तो किस किस को केल खाना पसंद है मुझे ज़रूर बताएं। जब हमें लगते हैं तो हम इस तरह से पत्ते हार्वेस्ट कर लेते हैं, एक दो और काट लीजिए। और केल को किस तरह खाया जाता है मुझे ज़रूर बताएं, ताकि मैं मुझे भी पता चले कि केल को कैसे हमें बनाकर सब्जी में इस्तेमाल करना है या कैसे इसे खाना है। और काफ़ी न्यूट्रिशन रिच होते हैं, आप देख सकते हैं पत्ते बहुत अच्छे हैं, इन्हें रख देते हैं हमारी सब्जियों के साथ। ये है हमारी लाल भाजी, लाल भाजी की देखिए कुछ जो न्यू ग्रोथ है वो बड़ी हो गई है, तो उन्हें हम हार्वेस्ट कर लेते हैं आज। और ये बहुत जल्दी रीग्रो होती है, तो आप एक बार पौधे लगाइए उसके बाद इस तरह से स्टेम के थोड़े ऊपर से काटते चलिए, आपको बार बार लाल भाजी की हार्वेस्टिंग मिल जाएगी। रेड अमरंथ इसे कहा जाता है, खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है और न्यूट्रिशन रिच भी होती है, तो आप इस तरह से लाल भाजी खाने के शौकीन हैं तो सर्दियों में आसानी से हो जाएगी। और इसी की साइड में लगी है कुछ हमारी चौलाई की भाजी जो अभी छोटी है, कुछ को तोड़ काट सकते हैं जो इस तरह से बड़ी हो गई है इस तरह से। ये देखिए जो बड़े बड़े पौधे हैं उनके स्टेम से हम कट कर लेते हैं। ये देखिए थोड़ी सी चौलाई की भाजी और लाल भाजी आज हमने यहाँ से काट ली है, इन्हें रख देते हैं हमारी सब्जियों के साथ। ये मेरा जो है एप्पल वेयर लगा हुआ है, और इसे बेसिकली मैं हार्वेस्टिंग में नहीं तोड़ता हूँ, तो जब भी गार्डन में आते हैं ये पक जाते हैं तो इन्हें हार्वेस्ट कर लेते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा लगे हुए हैं, जैसे ये बेर तोड़ने के लिए तैयार है, तो इसे हमने तोड़ लिया और इसे हम तुरंत खा भी सकते हैं। ये देखिए दोस्तों ये है हमारा काली हल्दी का ग्रो बैग, जो कि हल्दी अब मैच्योर हो गई थी तो हमने काफ़ी दिन से इसे साइड में रखा हुआ था। और आप देखिए हल्दी कुछ इस तरह से बनती है, ये मुझे यहाँ पर थोड़ी सी मिट्टी को निकालते हैं और फिर हमें हल्दी दिखेगी। ये देखिए इस तरह से हल्दी बनी है, ये आप अप्रैल मई के मंथ में लगाएंगे और अभी आप इसको नवंबर दिसंबर में इस तरह से हार्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये सारा जो ग्रो बैग है इसको खाली करते हैं और यहाँ से फिर सारी हल्दी को निकालते हैं। ये देखिए ये पोटैटो ग्रो बैग था हमारा, इसमें ये हल्दी लगी थी, जियो फैब्रिक के ग्रो बैग है। और आप देखिए 4 से 6 हल्दी की गांठ हमने लगाई होंगी
और वहाँ से हमें कितनी सारी हल्दी मिल रही है। और ये पूरी तरह से ऑर्गेनिक हल्दी है, काफ़ी अच्छी हुई है। और ये जितनी ज़्यादा आप इसको मैच्योर करेंगे उतना इसमें कलर आएगा। अभी देखिए इसमें हल्का कलर काला होना शुरू हुआ था, ये देखिए। अब इसको हम इस तरह से आप इसको धूप में भी सुखा सकते हैं और आप इसको तोड़कर रख भी सकते हैं। बाकी इसको एक दो दिन आप धूप में रख देंगे तो ये अच्छे से मिट्टी को छोड़ देती है, पानी में धोने की ज़रूरत भी नहीं होती है। ये देखिए इसका एक एक जो हमने लगाया था उससे इतनी हल्दी बनी है, ये देखिए। ये है जो हमने लगाई थी हल्दी, ये देखिए। तो इस तरह से जो है हल्दी हमें मिल गई है। इसे साफ कर लेते हैं और फिर सारी हल्दी रखते हैं हमारी इस ट्रे में। दोस्तों हल्दी में आए थे फूल और उसके बाद इस तरह से देखिए इनके बन गए हैं ये फल। तो इसे कहते हैं हल्दी को फल जाना। तो इनको हम अभी तोड़ लेंगे और पूरी हल्दी को सुधार लेते हैं। तो इतनी जो है हमें काली हल्दी मिल गई है, आप देखिए काफ़ी अच्छी मिली है, काफ़ी क्वांटिटी में मिली है। इसे रख देते हैं हमारी सब्जियों के साथ। तो आप देखिए ये सारी सब्जियां आज मुझे मिली हैं मेरे छत पर बने हुए टेरेस गार्डन से। क्या क्या मुझे मिला है समझ लेते हैं। दो हमने लौकी तोड़ी हैं, ये लंबी वाली सामने आप देख रहे हैं। तो लाल भाजी, हरी भाजी, ये केल के कुछ पत्ते, धनिया, दो गोल वाली लौकी, एक हमें मिला है विंटर स्क्वैश, एक हमने तोड़ी है यहाँ पर ब्रोकली, ढेर सारे टमाटर, ढेर सारे करेले अलग अलग वेराइटी के, यहाँ पे ढेर सारे बैगन आप देख रहे हैं, ये तीन हमने तोड़े हैं पपीता, तीन पेटी पैन स्क्वैश, ढेर सारी मिर्च अलग अलग तरह की, चिली हराबीनो, डार्क ग्रीन, रेड, ये मिर्च है, दो हमने अमरूद, दो हमने अनार तोड़े हुए हैं, दो नींबू तोड़े हुए हैं, यहाँ पे ढेर सारी हमने चुकंदर निकाली हुई हैं और आप चुकंदर देख सकते हैं, चुकंदर भी काफ़ी अच्छी है, काली मूली कुछ हमने निकाली हैं और काली हल्दी हमने आज निकाली है इतनी सारी। तो आज की ये हार्वेस्टिंग आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स कर जरूर बताएं। कौन सी सब्जी आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगी उसके बारे में भी कमेंट्स करें। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।